ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते कि किन परिस्थितियों में फसल उपजाते हैं, उसकी कीमत नहीं मिलती और घाटे में हो जाता है और कर से लदे रहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 9,500 करोड़ रुपया माफ़ करके किसानों को उऋण किया और आज देखिए कि छत्तीसगढ़ किसान कितने खुशहाल हैं, उसका समर्थन मूल्य मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है, वो धान की कीमत इस साल 2640 रुपये पड़ा है, तो देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो किसानों को हमेशा इसी किसान को इसीलिए वो रेवड़ी कहते हैं, किसान को जो दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कहते हैं और उसकी सबक फिर सिखाएंगे अभी 2023 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा में। तो ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।